FNG एक्सप्रेसवे बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आज है 10th January 2021 और संडे है आज। बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और अभी FNG से एक क्लाइंट है मेरे, शंकर सर, उनको पिक करने जा रहा हूँ। हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा, तो बहुत बिजी दिन है। मैं आगे आपसे कनेक्ट करता हूँ। FNG है फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद रोड, जिसके ऊपर मेरी एक ऑलरेडी वीडियो है जिसमें 3000 व्यूज़ नहीं, उसमें शायद 1300 व्यूज़ हुए हैं। अभी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है आप लोगों ने। अभी मैं जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, शंकर सर है मेरे, काफ़ी पुराने क्लाइंट हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ। उनको लेकर हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा और दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा है आज का, खाने का भी टाइम नहीं मिला है। किसी तरह से जल्दी से मैं लंच करके आया हूँ और अभी बिल्कुल मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है पहुँचने के लिए, तो मैं मिलता हूँ आपसे आगे। कैमरे को मैं अभी रख देता हूँ। तो ये जो सामने आप टेंट देख रहे हो, ये लैंड है और ये मेट्रो स्टेशन है। पता नहीं धूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और ये लैंड है, ये है Delta 1 मेट्रो स्टेशन और ये फुट ओवर ब्रिज और ये मेट्रो स्टेशन का एंट्री एग्ज़िट सीढ़ियाँ और ये लोकेशन है। दिस इज़ द लोकेशन और ये रोड है। मेट्रो स्टेशन साइट और ये मेट्रो की एंट्री एग्जिट। दिस इज द डिस्टेंस, वेरी नियर, वॉकेबल डिस्टेंस। तो ये अलॉटमेंट का रश, तो ये जो आपने बस देखा अभी, ये एक्चुअली सुबह को जो मैंने आपको साइट दिखाया उसका अलॉटमेंट चल रहा है। तो ये हमारे ऑफिस का जो अलॉटमेंट वाला एरिया है वो था और बहुत ही बुरी तरह से जैम पैक्ड है, आपने देखा। और मतलब जिनके जिन्होंने दो लोगों को जिन्होंने दो बुकिंग्स कराई है उनको एक शॉप मिल रहा है, तो इतना ज़्यादा डिमांड है इसका, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अभी मैंने एक्चुअली दो चेक्स पिक किए हैं और मुझे मेरा मन चाहा जो है वो शॉप मिल नहीं रहा है, तो मैं अभी चाय पीने आया था, चाय मैंने पी लिया। अभी मैं दोबारा जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अभी बज रहे हैं मेरे हिसाब से अभी 7 तो बज ही रहे होंगे, 7:30 बज रहे होंगे, तो मैं मिलता हूँ आपसे आगे। तो आज जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि घर में बना है ये स्पेशल सी चीज़, तो मैंने ले लिया खाने के लिए। अब ये क्या है ये मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, तब तक आप इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं नीचे अगर आपको पता चल गया कि ये क्या है। ये एक बंगाली डिश है, तो अब मैं बताता हूं आपको ये क्या है। ये एक्चुअली खीर है और इसका जो कलर है ये खजूर के गुड़ की वजह से आ रहा है। इस खीर में चीनी नहीं डलता है, इसमें खजूर का गुड़ डलता है। तो अभी जब हम घर से आए थे तो हम ये गुड़ लेकर आए थे, ये गुड़ एक्चुअली खजूर से बनता है, खजूर के ट्री से खजूर का जो रस है उसको जमा जमा कर ये गुड़ बनता है और इस गुड़ से ये खजूर का खीर बनता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद होता है। अगर आपने खीर खाया है और अगर आपको खीर पसंद है तो ऐसा समझिएगा कि ये टेस्ट इंटू 100 है, ये इतना स्वाद होता है।
और ये मेरा सबसे फेवरेट खीर है। तो मैं इस खीर के कटोरी को फिनिश करता हूँ और फिर आगे आपसे दोबारा मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 11 और मेरा डिनर हो गया है और मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ बात कर लूँ। आज के दिन में मेरी काफ़ी सारी साइट विजिट्स हुई है और काफ़ी सारा काम किया मैंने, तो वीडियो में ठीक से शूट नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा बिजी दिन था, संडे स्पेशली काफ़ी बिजी रहता ही है वैसे मेरा। और आपने देखा होगा मेरे दो वीडियो पहले, एक ग्रेटर नोएडा में, परसों के वीडियो में मैं ग्रेटर नोएडा गया था एक साइट विजिट करने के लिए, तो वो जो प्रोडक्ट था उसकी हम बुकिंग्स ले रहे थे अभी, मतलब सैटरडे और संडे, आज संडे है तो दो दिन से उसकी बुकिंग्स ले रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक और बिजी हो गया था दिन। और आज स्पेशली मैं उस जगह के दो चक्कर लगाए मैंने, और जो वीडियो आपने देखा वो ग्रेटर नोएडा के हैं, डेल्टा वन मेट्रो स्टेशन के ऑपोजिट ये प्रोजेक्ट है, और लोगों ने काफ़ी पसंद किया इस जगह को। ऑलमोस्ट 150 शॉप्स ग्राउंड फ्लोर और 150 शॉप्स अपर ग्राउंड फ्लोर सब बिक के ख़त्म हो गई। काफ़ी ज़्यादा रश था साइट पे, और मैं स्पेशली दो बार गया था। और आपने जो बाद में जो वीडियो देखा था वो अलॉटमेंट, हमारे ऑफिस में एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम बुकिंग्स जब पिक करते हैं तो उनकी अलॉटमेंट होती है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे कितना ज़्यादा हॉच पॉच और कितना शोर शराबा था। तो इतना लोगों ने इस प्रोजेक्ट को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ है ये दो दिनों में, मतलब ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गया है, और कल शायद पेपर में ऐड भी आ जाए सोल्ड आउट का, तो इतना लोगों ने इसको पसंद किया है। एक्चुअली हो ये रहा है ना कि नोएडा में जितने भी डेवलपमेंट अभी तक हुए थे वो सारे के सारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स को लेकर हुए थे, मतलब अपार्टमेंट्स ही अपार्टमेंट्स। बिल्डर पिछले 5-6-7 सालों से अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, और अभी पिछले 1-1.5 साल से अब धीरे धीरे कॉमर्शियल की तरफ भी डेवलपमेंट शुरू हुई है। जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ सेक्टर 99 में अभी, तो मेरे को अगर छोटा मोटा सामान भी है जैसे दाल चावल आटा हो गया ये सब भी लेने के लिए गाड़ी निकालना पड़ता है, और कम से कम 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ड्राइव करना होता है, या तो मैं मॉल जाता हूँ, आपने देखा होगा मैं मॉल अक्सर जाता हूँ, तो मेरे मॉल जाने का रीज़न ही यही रहता है कि मेरे को सारा सामान एक जगह पे मॉल पे मिल जाता है। तो कॉमर्शियल जो है नोएडा का अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ है, अभी कॉमर्शियल सेक्टर में काफ़ी स्कोप है। तो ये जो आप देख रहे थे ये एक्चुअली मेट्रो स्टेशन के सामने ही एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट का जो है वो लॉन्च हुआ था, जो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और इट गॉट सोल्ड आउट ऑलमोस्ट विद इन 2 डेज। और आप देख सकते हैं मेरी आंखें जो है, मैं देख रहा था अभी आंखें जो है मेरी खोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि एकदम ही एनर्जी नहीं है, स्ट्रेंथ और अंदर का जो एक एक्टिवनेस होता है वो एकदम ज़ीरो हो गया है, क्योंकि गाड़ी मैंने ऑलमोस्ट आज मेरे को लगता है 100 किलोमीटर के ऊपर आज मैंने गाड़ी ड्राइव किया है, और मेरी गाड़ी डीजल है, तो डीजल का क्लच जो है, जो लोग गाड़ी ड्राइव करने का जिनको एक्सपीरियंस है उनको पता होगा कि डीजल का क्लच कितना हार्ड होता है, स्पेशली फोर्ड का क्लच जो है वो काफ़ी बदनाम है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है फोर्ड का क्लच। गाड़ी वैसे मजबूत है लेकिन बस क्लच के मामले में फोर्ड है और ऊपर से डीजल, तो क्लच के मामले में थोड़ा सा हैवी है। तो आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक गया, और फिर उसके बाद घर आया मैं। घर आने के बाद अच्छा हुआ मेरी वाइफ ने मेरा फेवरेट जो खीर है वो बनाकर रखा था, तो उससे थोड़ा सा स्ट्रेस कम हुआ, और चाय पिया मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अदरक डालकर, तो फिर थोड़ा सा स्ट्रेस कम हुआ। अभी थोड़ा सा टीवी देखा मैंने कुछ शोज़, और उसके बाद फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ बात कर लूँ, क्योंकि आज मैंने सारा दिन आप लोगों के साथ बात नहीं किया है। तो ये आज का दिन था, काफ़ी हेक्टिक था मेरा, और देखते हैं कल क्या होता है, शायद कल का दिन भी बहुत हेक्टिक जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपने मेरा ये वीडियो यहाँ तक देखा है इसका मतलब आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस जो है वो आपके पास डेली आते रहे। और मैं नोएडा में पिछले 8-9 साल से हूँ, और स्पेशली नोएडा के रियल स्टेट में काफ़ी एक्टिव हूँ मैं, तो आपको अगर स्पेशली नोएडा के वीडियोज़ चाहिए और रियल स्टेट के वीडियोस में आपका इंटरेस्ट है, तो मेरा चैनल आपके लिए ही बना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, और आपको भी डेली नए अपडेट्स मिलते रहेंगे नोएडा के अलग अलग जगह के बारे में, जैसे मैंने आज ग्रेटर नोएडा के बारे में डाला है,
और अगर आप रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कमर्शियल सेक्टर को थोड़ा सा नज़र डालिए। कमर्शियल सेक्टर इज़ गोइंग टू बूम, स्पेशली इन नोएडा और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे में जितने भी कमर्शियल है, नोएडा एक्सटेंशन में, यहाँ पे कमर्शियल में अभी काफ़ी डेवलपमेंट का स्कोप है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं तो इस सेक्टर में देखिए। और अगर आप फन और बाकी नोएडा के अपडेट्स के बारे में जानने के लिए यूट्यूब आते हैं तो मेरे चैनल में उसकी तो कोई कमी नहीं है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपको कल एक नए एपिसोड में एक नए स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।